तो भाई वो तो एक राजनीतिक आदमी है, कुछ भी कहीं भी बांटने के लिए भाई जाति पर बंटवा लो, प्रदेश स्टेट पर बंटवा लो, बंटवारा चाह रहे, मतलब उसके ऊपर शोधन कोई नहीं चाह रहा, बंटवारा चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सही से फैसला हो। तो आपका तीन पहलवान महाराष्ट्र से भी फोन आया था, वो भी आने लगे हुए हैं, अभी कल बैठे हैं, आज का पूरा दिन है, अभी वर्किंग डे था, धीरे धीरे देखना आप। किरणी के शेयर मीडिया चंद खड़ा भाई प्रीतम नगर की राम राम। तो भाई दोबारा जंतर मंत्र पर पहलवानों ने धरना धर दिया है, तो बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई, बहुत ही फेमस पहलवान है, तो बात करते हैं भाई, कैसा क्या धरना आगे तक रहेगा, क्या मांग है पहलवानों की? तो नमस्कार पहलवान जी। नमस्ते भाई, क्या कहना चाहोगे पहलवान जी? भाई हम तो पहलवानों के लिए जो इतने दुखी हो रहे हैं पहलवान, इनके लिए भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है, और किसके लिए देखेगी? ओलंपिक में मेडल ऐसे ही थोड़ी ना आता है, बहुत आंगा ला के ओलंपिक में मेडल आता है। रेसलर पहलवान है, मतलब लेडीज पहलवान है, जो भी वे बोल रही हैं भाई हमारे साथ बल की, मतलब गलत काम होता था, ये होता था, इस तरीके क्या कहना आप? ऐसा है देखो, इस मामले में नकली बात कभी होती है नहीं, कौन किसी की नकली कह देगा? फिर ये सरकार जांच करावे, ये जांच कराने के लिए तैयार है, कुछ न कुछ है जब इधर दुखी हो रहे हैं। उनके जंतर मंत्र पे बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े, उनके साथ इंसाफ करो, और जो यौन शोषण के आरोपी है उनको पद से मुक्त करो। आपने WFI के अध्यक्ष के खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया, इसी प्रकार आपने हरियाणा के अंदर भी, एक खेल मंत्री संदीप सिंह है, महिला कोच ने उनको आरोप लगाया, आपने उनको मंत्री बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे आपने WFI का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। कम से कम बेटी खिलाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले कम से कम ऐसी सोच ना रखें कि उनका व्यक्तित्व तो बचाना है, वो कितना बड़ा अपराधी हो। मैं कहता हूँ अपराधी कोई भी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश के अंदर बहन बेटियां खुला विचरण कर सकें और उनकी प्रतिभा को निखारते हुए सारी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन कर ठीक है। वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए 3 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई हमारी, FIR नहीं हुई है, तो और किस, आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं, हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा, और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए, और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो पूरी रात पूरा दिन यहीं पर बैठे बैठे निकाल देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं।